फरीदाबाद में रबड़ की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। पुणे के पास मुंबई पुणे हाईवे पर बस में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के सीतापुर में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। बिहार के रोहतास में बड़ा हादसा हुआ, तालाब में नहाने गए 7 बच्चे डूब गए, 6 का शव किया गया बरामद, 1 बच्चे की तलाश अभी भी जारी। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, साइबर ठगी करने वाले 7 आरोपी को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में कैश भी जब्त किया गया। दिल्ली के रोहिणी में चाकूबाजी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। सूरत में पुलिस ने बदमाश सलमान लस्सी का जुलूस निकालकर मंगवाई माफी, पिछले दिनों एक शख्स को मारते हुए सीसीटीवी में हुआ था। गुजरात के कच्छ में सीसीटीवी में कैद हुई मौत की एक घटना, पेट्रोल पंप पर कुर्सी पर बैठे बैठे पंप मैनेजर को आया हार्ट अटैक। सूरत में टीचर ने छात्राओं से की छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। सूरत में बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, पिता के साथ लिफ्ट से बाहर निकलते वक्त डॉग ने काटा, कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में महिला की पीटकर और जहर पिलाकर हत्या का मामला आया सामने, गांव वालों ने एक आरोपी को भी पीट पीट कर मारा। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया, भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए, फैक्ट्री का मालिक और एक सप्लायर भी गिरफ्तार। महाकाल मंदिर के प्रसाद पैकेट से हटेगी ओम और मंदिर के शिखर की तस्वीर, प्रबंध समिति ने लिया ये फैसला, एमपी हाईकोर्ट ने दिया था 3 महीने का समय। यूपी के हर जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन समेत सभी प्राइम लोकेशन पर महाकुंभ का लोगो किया जाएगा डिस्प्ले, सीएम योगी ने दिया निर्देश। सीएम योगी बोले महाकुंभ मेले के लिए चलाई जाएंगी 7,000 बसेस, कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं को 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लखनऊ में अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत, सीएम योगी ने भी बल्ले और बॉल पर आजमाया अपना हाथ। आज सुबह 9 बजे पीएम नरेंद्र मालदीव के राष्ट्रपति मोइजो के समारोह पूर्वक स्वागत समारोह के लिए जाएंगे राष्ट्रपति भवन, 11 बजे हैदराबाद हाउस में होगी द्विपक्षीय वार्ता। जाति जनगणना रिपोर्ट पर बोली कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, कहा सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज जो लालू परिवार की पेशी, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने सभी को जारी किया था समन। असम में बाल विवाह को रोकने के लिए हेमंता सरकार की पहल, कॉलेज की छात्राओं को 1,000 और पीजी की छात्राओं को 2,500 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने की समन्वय बैठक, सिक्किम और दार्जिलिंग के वंचित समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग पर मीटिंग। असदुद्दीन ओवैसी की पीएम मोदी से अपील, कहा नेतन्याहू से पश्चिम एशिया में सीज फायर के लिए कहें, लाखों फिलिस्तीनियों ने खो दिए हैं अपने घर। मथुरा दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साध्वी रितंभरा के वात्सल्य ग्राम का किया दौरा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की मीटिंग, शिखर सम्मेलन के संबंध में समीक्षा बैठक की।
राजस्थान के जयपुर में पहले फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन समारोह में शामिल हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सिकंदराबाद से गोवा के बीच चलेगी ट्रेन। रुद्रप्रयाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान प्रोग्राम में भी हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री लेंगे हिस्सा। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजराइल का जोरदार हमला जारी। धमाके से गूंजा पूरा इलाका। दूर से ही दिखा आग और धुएं का गुबार। उत्तरी इसराइल में रॉकेट और मिसाइल हमले का अलर्ट। एक्टिवेट हुए सायरन सिस्टम। घरों में छिपे लोग। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर के हमले में हमास के इस्तेमाल किए गए हथियारों का प्रदर्शन किया। युद्ध के दौरान जब्त किए गए थे हथियार। ईरान ने गाजा लेबनान में युद्ध विराम का समर्थन किया। इसराइल के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। पाकिस्तान के कराची में एयरपोर्ट के पास बम ब्लास्ट। भारी सुरक्षा वाले काफिले में धमाके की खबर। सड़क पर दिखी आग की लपटें। थाईलैंड में बाढ़ से बेहाल हुआ आम जनजीवन। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। गाड़ियां भी डूबी दिखाई दी। आने जाने के लिए नाव का ले रहे हैं लोग सहारा। धरती से टकरा सकता है बड़ा सोलर तूफान। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए बड़ा खतरा। नासा ने जारी की चेतावनी। पेंसिल्वेनिया में बुलेट प्रूफ स्पेस से ट्रंप का भाषण। यही हुआ था ट्रंप पर हमला। ट्रंप को लेकर बोले इलॉन मस्क। कहा एक राष्ट्रपति सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, दूसरा गोली खाकर भी लड़ रहा है। शंघाई के वाइल्ड एनिमल पार्क में पांडा के लिए आयोजित हुई बर्थडे पार्टी। मस्ती में झूमते दिखाई दिए फ्यूड पार्क। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से पहले T20 में हराया। पांड्या ने छक्के से दिलाई जीत। अर्शदीप और चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। वेमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बनाए 29 रन। अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट छटके। अमेरिका के नेशनल क्रिकेट लीग के ग्रुप में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर। अमेरिका में खेल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। कोरियोग्राफर जानी मास्टर को बड़ा झटका। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच वापस लिया गया नेशनल अवार्ड। सेरेमनी में शामिल होने पर भी लगी रोक। भारी भरकम लहंगे में श्रद्धा कपूर ने किया रैंप वॉक। फैंस ने की तारीफ। हार्दिक पांड्या से अलग होने के बाद नताशा का कमबैक। नए म्यूजिक वीडियो का किया ऐलान। फैंस बोले बेटी के लिए काम कर रहे हैं। कल की फेम तेलुगु एक्टर राजेंद्र प्रसाद की बेटी का निधन। सांत्वना देने घर पहुंचे अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी समेत कई सेलेब्स। IC-814 में आतंकी का किरदार निभाने वाले राजीव कुमार बोले सिर्फ कॉमेडी नहीं, हर रोल के लिए तैयार। दिलजीत ने पाक एक्ट्रेस हानिया को स्टेज पर बुलाया। साथ में डांस भी किया। लंदन कॉन्सर्ट में साथ परफॉर्म करने पहुंचे बादशाह।